हेलो ड्रामा फैंस, वेलकम बैक एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो आइए शुरू करते हैं। हुई लियांग प्रिंसेस के रूम में जाता है तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम एक कॉन्क्यूबाइन के बेटे हो और तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा। तो हुई कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन अगर कोई मेरा सच्चा दोस्त बनने को तैयार हो तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो लियांग प्रिंसेस कहती है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त बनूंगी या नहीं, मैं तुम्हारे करीब आऊंगी या नहीं। उधर युवैन अपने दादाजी को बताता है कि आज आइज़ ऑफ कॉर्ट में कोई अंदर तक घुस गया था और ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। तो उसके दादाजी कहते हैं कि सालों से मैंने आइज़ ऑफ कॉर्ट को संभाल कर रखा था, किसी को उसमें जाने नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुम जानते हो ना कि अगर हमारा सीक्रेट बाहर आ गया तो वे स्टेट को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो युवैन कहता है कि लेकिन इस वक्त मैं सबसे ज़्यादा उस फीमेल स्पाई के बारे में सोच रहा हूँ जो आइज़ ऑफ कॉर्ट में अंदर तक घुस गई। मैंने ज़िंगेर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखा है, मुझे लगता है कि मुझे ज़िंगेर को उस स्पाई को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो युवैन के दादाजी कहते हैं कि अगर तुम्हें ज़िंगेर पर इतना भरोसा है तो मैं उसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन युवैन के जाने के बाद वो अपने गार्ड से कहते हैं कि मुझे जल्दी ही इस लड़की से छुटकारा पाना होगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा पोता भी वही गलती दोहराए जो मैंने की थी। इसके बाद सॉन्ग और यान आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि गार्डन में प्रिंसेस शुनैर उदास बैठी हैं। तो सॉन्ग यान से कहता है कि वो तुम्हें बेहद पसंद करती है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम हो जो उसके मूड को ठीक कर सकते हो। इसके बाद यान शुनैर के पास जाता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। तो शुनैर कहती है कि तुम हमेशा ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तो यान कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। तो शुनैर अपने कानों पर हाथ रख लेती है और यान से कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो यान वहाँ से जाने लगता है लेकिन शुनैर उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। इसके बाद दोनों बातें करते हैं और शुनैर का मूड ठीक हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में यूएन के गार्ड उसे एक मैप दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने वे स्टेट को हर तरफ से सुरक्षित कर दिया है और अपने सारे जासूसों को पूरे शहर में फैला दिया है, जिससे कि शहर में कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी होती है तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। तो युवैन उनसे कहता है कि उन लोगों ने ना सिर्फ वे स्टेट में घुसने की कोशिश की है बल्कि आइज़ ऑफ गॉड का पता लगाने की भी कोशिश की है, हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। इसके बाद युवैन के जासूस छापा मारते हैं और कुछ जासूसों को पकड़ लेते हैं। तो यूकी आके युवैन को बताता है कि हमारे आदमियों ने कुछ जासूसों को पकड़ा है, लेकिन वो जासूस लियांग स्टेट के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं और एक भी शब्द कहने के लिए अपना मुँह नहीं खोलना चाहते। तो युवैन कहता है कि जब तक हम उन लोगों के मास्टर को नहीं पकड़ लेते, उन लोगों पर नज़र रखो और इन्वेस्टिगेशन करते रहो। लियांग स्टेट की प्रिंसेस को उसकी गार्ड बताती है कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि हमारे सारे स्पाइस लगभग पकड़े गए हैं और जो बचे हैं वो भी अनरीचेबल हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि आइज़ ऑफ गॉड सालों से बंद पड़ी हुई थी, मुझे आशा नहीं थी कि ये अभी भी इतनी पावरफुल होगी, हमने इसे अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब इतना एफर्ट करने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकती, मैं वही स्टेट को नहीं छोड़ सकती। हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले युवैन से छुटकारा पाना होगा, लेकिन कैसे, क्योंकि उसकी तो कोई कमजोरी ही नहीं है। तभी प्रिंसेस को याद आता है ज़िंगेर के बारे में कि किस तरह से युवैन ज़िंगेर की केयर करता है और वो कहती है कि युवैन की कमजोरी वो मेड ज़िंगेर है क्योंकि मैंने देखा है कि उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। युवैन भी अपने दादाजी के नक्शे कदम पर चल रहा है, जैसे उसके दादाजी ने एक मेड के लिए अपने दोनों पैर गंवा दिए और साथ में अपना ब्राइट फ्यूचर भी, और वैसे ही हम ज़िंगेर को इस्तेमाल करेंगे युवैन को हराने के लिए। कोई अपने दादाजी से पूछता है कि आपने मुझे वो पार्टी अरेंज करने के लिए क्यों कहा था और अगर इसके पीछे आपको कोई खास मकसद था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर कि युवैन जी नाराज़ हो जाता है और हुई से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, भूलो मत कि तुम्हारी रगों में एक गंदा खून बहता है, एक स्लेव का खून बहता है, अगर मैंने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया होता तो आज भी तुम किसी गंदे नाले में पड़े होते। इतनी बेइज्जती के बाद हुई कुछ कहता तो नहीं है लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले सीन में ज़िंगेर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है तो यान उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं बिली खेलने वाला हूँ, क्या तुम मुझे देखने आओगी। तो ज़िंगेर कहती है मैं एक स्लेव हूँ और मेरे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो यान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ऑफर दिया था कि मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी स्लेव नहीं रहने दूंगा और अपनी दोनों बहनों की भी चिंता मत करना, मैं उनका भी इंतजाम कर दूंगा। और ऐसा कह के वो ज़िंगेर को अपनी बांसुरी देकर चला जाता है। युवैन ऊपर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और उसका चेहरा बताता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जब ज़िंगेर युवैन की मेडिसिन लेकर उसके रूम में जाती है तो वो ज़िंगेर को बिना देखे ही मेडिसिन साइड में रखने के लिए कह देता है। तो ज़िंगेर कहती है कि आपको ये मेडिसिन अभी पीनी पड़ेगी। युवैन जब मेडिसिन पीता है तो उसे वो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है।
फिर वो जिंगेर से डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या तुम यैन के साथ भागने का प्लान बना रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें एक बहुत ही रॉयल लाइफ दे सकता है। तो इस पर जिंगेर मुस्कुराते हुए कहती है कि लगता है आपने मेरी और यैन की बातें सुन ली हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपना मास्टर बदलते रहते हैं। मैं आपके साथ हूं और मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूं। ऐसा कहकर वो चली जाती है और युवेन मुस्कुराते हुए अपनी दवा पीने लगता है। इसके बाद जिंगेर उस तलवार को देखती है जो कि उसे युवेन ने दी थी, और उसके बाद उस बांसुरी को देखती है जो उसे यैन ने दी थी, जैसे कि वो डिसाइड कर रही हो कि उसे क्या चुनना चाहिए, एक एजेंट की लाइफ या एक कॉन्क्यूबाइन की लाइफ। इसके बाद यैन एक रैबिट लेकर आता है और सॉन्ग उससे पूछता है कि इतना क्यूट सा रैबिट तुम किसके लिए लेकर आए हो। तभी वहाँ प्रिंसेस चुनैन आ जाती है और रैबिट को देखकर बहुत खुश होती है और वो कहती है कि आज से ही रैबिट मेरा है, और यैन के हाथ से रैबिट ले लेती है। ये देखकर यैन को सॉन्ग पर बहुत गुस्सा आता है और वो सॉन्ग को एक किक करता है। अगले सीन में यूकी अपने जासूसों से मिलने जाता है, तो वो उसे बताते हैं कि लियांग स्टेट के जासूसों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस घर में वो रहते हैं वो उससे बाहर ही नहीं निकलते, बल्कि उनका खाना भी उनके सर्वेंट्स लोग गेट के बाहर ही रख के चले जाते हैं। और इसके अलावा उन लोगों ने अपने एरिया को घंटियों से कवर कर रखा है, तो जैसे ही कोई खतरा होता है तो उन्हें अलार्म मिल जाता है। ये सब देखकर और सुनकर यूकी कुछ सोचने लगता है। लियांग प्रिंसेस अपनी गार्ड से कहती है कि मैंने उस दिन पार्टी में तुम्हें और जिफेंग को बात करते हुए सुन लिया था, तुम जिफेंग से प्यार करती हो ना। तो उसकी गार्ड अपने घुटनों पर बैठती है और कहती है कि प्रिंसेस मैं पूरी तरह से आपके लिए लॉयल हूँ और मैं उससे कोई प्यार नहीं करती, बल्कि वो हमारे प्लान का ही एक हिस्सा था। तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हम एजेंट्स हैं और एक मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे इमोशंस के लिए हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, अगर हम इमोशनल हो जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। और फिर वो अपने गार्ड से कहती है कि तुम जिफेंग के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ और उससे सारी इन्फॉर्मेशन भी निकलवाओ। तो उसकी गार्ड कहती है कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी और मैं समझती हूँ कि शायद इसीलिए आप भी हुई के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा रही हैं। यूकी बाहर से इन सब पर नज़र रखे हुए होता है, लेकिन कोई भी रूम से निकल कर बाहर नहीं आता। ताओ लियांग प्रिंसेस को जिंगेर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देती है और उसे बताती है कि यूएन के आदमी हम पर बाहर से नज़र रखे हुए हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि रखने दो और उस वक्त का इंतज़ार करो जब यूएन खुद यहाँ चल कर आएगा। यूएन जिंगेर को अपने साथ आइज ऑफ गॉड के सबसे सीक्रेट रूम में ले जाता है और उससे कहता है कि क्योंकि अब तुम एक एजेंट बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें यहाँ आने की परमिशन है। सीक्रेट रूम में यूवेन जिंगेर को कई ऐसी चीज़ें दिखाता है जो वे स्टेट की सेफ्टी से जुड़ी होती हैं और उससे कहता है कि एज ए एजेंट तुम्हारा काम होगा कि तुम सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, जिससे कि हम उन्हें एनालाइज कर सकें और बाहर से होने वाले अटैक से अपने लोगों को बचा सकें। फिर वो जिंगेर को एक बॉक्स दिखाता है और उसे खोलने के लिए कहता है। उस बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आइज ऑफ गॉड के एजेंट को ही दी जाती हैं। उन्हें देखकर जिंगेर बहुत खुश हो जाती है। फिर युवेन जिंगेर को सब कुछ समझाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जिंगेर वहीं रुक जाती है और वेपन्स को देखने लगती है। तो युवेन उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो जिंगेर कहती है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन वेपन्स को मैं कब इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो युवेन उससे कहता है कि ये सारे वेपन्स एजेंट्स के लिए ही हैं, लेकिन ये तुम तब इस्तेमाल कर पाओगी जब मैं तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन दूंगा। अगले सीन में एम्परर एक मिठाई खा रहे होते हैं, तो एम्परर उन्हें बताती है कि ये मिठाई बाईशेंग ने बनाई है, बाईशेंग यानी कि यैन की मदर। तो एम्परर कहते हैं कि इस मिठाई को खाने के बाद मुझे हमारे जवानी के दिन याद आ गए, और ऐसा कहकर वो गुस्से में उस मिठाई को फेंक देते हैं। तो यहाँ ऐसा लगता है कि ज़रूर बाईशेंग और एम्परर के बीच में कुछ रहा होगा। फिर एम्प्रेस एम्परर को समझाती है कि आपने बाईशेंग को यहाँ रुकने के लिए कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे यहाँ नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही हैं, इसका हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। एम्परर उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि तुम ठीक कहती हो, बाईशेंग को यहाँ से जाने का ऑर्डर दे दो। ये ऑर्डर मिलने के बाद यैन अपनी माँ को सीएफ करने के लिए जाता है और उसे समझाता है कि आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, आप पिताजी से कहना कि एम्परर को उन पर शक है और इसलिए उन्हें भी लॉयल होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सुनकर बाईशेंग बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरा बेटा अब सच में बड़ा हो गया है, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी ही अपनी उस मिस्ट्री गर्ल को मना लो और उसे लेकर वापस लौटो। युवेन जिंगेर को बताता है कि आइज ऑफ गॉड के स्पाई का काम करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हारे सेंसेस को बहुत शार्प होना चाहिए। मुझे डर है कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें गुंगफू की इतनी नॉलेज भी नहीं है, पता नहीं तुम ये काम कर पाओगी या नहीं। तो जिंगेर कहती है कि मुझे आपने सिखाया है और मेरी गुरु आप हैं, इसलिए मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं ये काम जरूर कर पाऊंगी। अगले सीन में युवेन एक लेटर पढ़ रहा होता है जिसमें पोइम के रूप में एक सीक्रेट मैसेज होता है। इसके बाद युवेन भी एक मैसेज लिखता है और वो भी उसे पोइम के रूप में ही लिखता है।
यूएन के दादाजी उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सब यूएन जी ने किया हुआ है, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमने जिंगेर को तैयार किया है, तुम जल्दी ही उसे भेजो जिससे कि वो अपना काम पूरा कर सके। तो यूएन कहता है कि इस बार लियांग स्टेट के जो स्पाइस हैं वो साधारण लोग नहीं हैं, वो बहुत ही ट्रेंड हैं और जिंगेर की ट्रेनिंग बहुत ही कम समय के लिए हुई है, इसलिए मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए। तो इस पर उसके दादाजी नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा वेई स्टेट की चिंता होनी चाहिए और तुम हो कि उस मेड की चिंता कर रहे हो। तभी वहाँ यूकी आता है और बताता है कि इस बार लियांग स्टेट के स्पाइस सच में बहुत ही ट्रेंड हैं और हमारे गार्ड्स किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन का कोई पता नहीं लगा पाए हैं। ये सुन के लॉर्ड जुओ कहते हैं कि अब जिंगेर को वहाँ भेज दो क्योंकि वो एक फ्रेश फेस है, उसे कोई नहीं पहचानेगा, उसके लिए ये काम करना आसान होगा। ये सुन के यूएन का दिल तो नहीं चाहता जिंगेर को भेजने का, लेकिन वो अपने दादाजी के सामने कुछ नहीं कहता और हाँ कर देता है। फिर यूएन यूकी को समझाता है कि मैं जिंगेर को इस मिशन के लिए भेजूंगा, लेकिन तुम्हें सीक्रेटली उस पर नज़र रखनी होगी। इसके बाद यूएन जिंगेर को बुलाता है और उसे बताता है कि तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पर भेजा जा रहा है, तुम्हें लियांग स्टेट के स्पाइस को फॉलो करना है और उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। तो जिंगेर खुश हो जाती है और कहती है मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। इसके बाद यूएन जिंगेर को कुछ सीक्रेट वेपन्स देता है जो स्पेशली आईज ऑफ गॉड के एजेंट्स को ही दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लियांग प्रिंसेस का गार्ड आकर उसे बताता है कि यानवेई से शिनचेंग ने एक लेडी झोंग को यहाँ भेजा है जो अपने कुछ गार्ड्स के साथ सीक्रेटली यहाँ रह रही है। तो प्रिंसेस पूछती है कि उसके यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है। तो गार्ड उसे बताता है कि उसे ब्लैक मार्केट में देखा गया है जहाँ वो किसी जियो बाओकेंग के बारे में पूछ रही थी। इसके बाद लियांग प्रिंसेस कहती है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे कई गार्ड्स मारे जा चुके हैं और हमारे वेपन्स भी लगभग ख़त्म हो गए हैं, अब हमें नए वेपन्स खरीदने की ज़रूरत होगी। और इन लोगों की ये सारी बातें जिंगेर छिपकर सुन रही होती है कि ये लोग वेपन्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये लोग वेपन्स किसी जियो बाओकेंग नाम के इंसान से लेने वाले हैं। इसके बाद जियो बाओकेंग को दिखाया जाता है जो कि वेपन्स का सप्लायर है और बहुत ही फनी आदमी है। इसके पास वो लेडी आती है जिसे कि यानबेई से भेजा गया है जिसका नाम झोंग है और वो वेपन्स खरीदने के लिए इसके पास आती है। इसके बाद वो बाओगेंग को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाती है और उससे वेपन्स की डिमांड करती है। उसका पीछा करते करते जिंगेर भी वहाँ पहुँच जाती है। वहीं दूसरी ओर झोंग बाओगेंग से बहुत सारे वेपन्स की डिमांड करती है जिससे कि बाओगेंग उससे पूछता है कि क्या तुम कोई आर्मी खड़ी करने वाली हो। तो झोंग उसे बताती है कि हम रिबेलियंस नहीं हैं लेकिन हम खुद को रिबेलियंस दिखाना चाहते हैं। यूएन के पैलेस ग्रीन हिल्स कोर्टयार्ड में भी एक स्पाई घुस जाता है। यूएन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे मास्टर ने मेरे लिए क्या मैसेज दिया है। तो वो स्पाई यूएन को बताता है कि मेरे मास्टर आज तुम्हारी मेड सर्वेंट को जान से मारने वाले हैं। इतना सुनते ही यूएन बिना किसी को बताए जिंगेर को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर वेपन शॉप के अंदर झोंग लियांग प्रिंसेस और उनकी गार्ड ताओ के बीच में फाइट होने लगती है और ये सब जिंगेर बाहर से खड़ी होकर देख रही थी। इसके बाद जिंगेर भी उन लोगों का सामना करने के लिए शॉप के अंदर पहुंच जाती है। शॉप का मालिक अपनी शॉप की इतनी बुरी हालत देखकर पागल हो रहा होता है। जिंगेर को बचाने के इरादे से यूएन भी वहां पहुंच जाता है। पहले वो बाहर यूकी को बचाता है और फिर शॉप के अंदर जिंगेर को बचाने के लिए चला जाता है। वो लियांग प्रिंसेस के साथ फाइट करता है और जिंगेर को बचा लेता है, लेकिन इस सब कोशिश में जिंगेर और यूएन दोनों एक गुफा जैसे कमरे में बंद हो जाते हैं। लियांग प्रिंसेस अपनी गार्ड ताऊ से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि यूएन इस मेड सर्वेंट से इतना प्यार करता है कि इसे बचाने के लिए उसने अपनी जान भी खतरे में डाल दी, और ऐसा बोल के वो दोनों वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर यूएन एंड जिंगेर बाओगेंग की शॉप के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर में इस तरह से बंद हो चुके हैं जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं पता। शॉप का मालिक बाओकेंग उनके सामने रोने लगता है और कहता है कि आज दोपहर तक मेरे स्टोर में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद दो औरतें आईं और मेरे स्टोर का सत्यानाश कर दिया। अब मुझे तुम दोनों लवर्स के साथ इस जगह पर मरने का इंतजार करना होगा। तो जिंगेर उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों लवर्स हैं, मैं एक मेड सर्वेंट हूँ और ये मेरे यंग मास्टर हैं। ये सुन के बाओकेंग अपने मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ़ी मांगता है और उन्हें बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुन के यूएन जिंगेर से कहता है कि इसकी बातें छोड़ो, हमें खुद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
दूसरी ओर यूकी पैलेस जाके सभी गार्ड्स को बता देता है कि मास्टर युवेन की जान खतरे में है, और ये सुन के सभी गार्ड्स वहाँ से निकल जाते हैं। जिंगेर बाओकेंग से पूछती है कि तुम्हें ऐसी गलतफहमी क्यों हुई कि हम दोनों लवर्स हैं। तो बाओकेंग उसे बताता है कि क्योंकि तुम दोनों के पास जो तलवारें हैं वो लवर शॉट्स कहलाती हैं। और ये सुन के युवेन इधर उधर देखने लगता है क्योंकि जिंगेर को ये तलवार युवेन ने ही दी थी। इसके बाद बाओकेंग सिर्फ तलवारों को पहचान कर ही जिंगेर को बताता है कि वो जो तीन लेडीज आई थी उनमें से दो लियांग स्टेट से स्पाइस थी और जो एक थी वो झोंग थी जिसको कि यानबेई से भेजा गया था। तो जिंगेर उससे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो लड़कियों का। उस जगह पर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते जिंगेर का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि युवेन उसे अपने हाथों में थाम लेता है। लियांग प्रिंसेस युवेन जी के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि आइज़ ऑफ गॉड का जो मैप तुमने हमें दिया था वो इनकम्प्लीट था। तो युवेन जी उसे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक यूज़लेस ओल्ड मैन हूँ और मेरे पास इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं तुम लोगों के किसी काम का नहीं हूँ। तो प्रिंसेस उसे धमकी देती है कि ठीक है लेकिन आज से तुम पैलेस के किसी भी काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं युवेन को बता दूंगी कि उसकी माँ के साथ तुमने क्या किया था। प्रिंसेस के जाने के बाद होई वहाँ आता है और अपने दादाजी से पूछता है कि आपको क्या हुआ है। तो युवेन जी उसे बताता है कि आज से मैंने पैलेस के सभी कामों पर ध्यान देना छोड़ दिया है, रेड हिल कोर्ट्स की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। वहीं दूसरी ओर बाओकेंग जिंगेर और युवेन को बताता है कि अब मुझे नींद आ रही है और मैं सोने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि हम लोग कुछ महीनों तक आराम से ज़िंदा रह सकते हैं। और ऐसा बोल के वो आराम से वहाँ सो जाता है। जिंगेर युवेन से कहती है कि हमें इसकी बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन युवेन वहाँ आराम से ज़मीन पर बैठ जाता है और जिंगेर से कहता है कि हमें इसकी बातों का विश्वास करना होगा क्योंकि अगर ये झूठ बोल रहा होता तो ये इतनी आराम से अपना खजाना हमारे भरोसे छोड़कर सोता नहीं, और हम इसे ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसने हमें खाना देने से मना कर दिया तो हम तीन दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। यहाँ युवेन को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे जिंगेर के साथ अकेले इस गुफा में रहने में मज़ा आने लगा था। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि अगले एपिसोड में हमें युवेन और जिंगेर के कुछ रोमांटिक मोमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।